हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी। आज सीखेंगे दो मिनट में पांच ऐसे सवाल जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, यानी ये पांच सवाल दो मिनट में कैसे सही हो सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दो चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहला टेंस एंड दूसरा सेंस। एंड इसके बाद मैं बात करूंगा अप्रोच की। एंड इस अप्रोच के साथ जब आप जाएंगे, सबसे पहली अप्रोच आपको लेके जाती है ग्रामर के थ्रू। ग्रामर, जी हाँ, ग्रामर अच्छी होगी तो ये सवाल आपके इंटरेस्ट का पार्ट बन जाते हैं। ग्रामर के बाद सीधा लेके चलता हूं लॉजिकल अप्रोच, जो कि शायद हर इंसान में ऑलरेडी होती है, यानी लॉजिकली आप इसको कितना अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। देन, जी हाँ, देन मैं बात करूंगा, थोड़ा सा ट्रिक्स को भी इसमें मिला देंगे, जिससे ये सवाल हो जाता है बिल्कुल आसान। कैसे? सबसे पहले मैंने सेंटेंस को पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग इन द सेम वे विदाउट इंप्रूविंग फॉर 2 years। यानी सबसे पहले तो मुझे टेंस समझना है। टेंस मुझे दिख रहा है, आर लिखा हुआ है लिहाजा प्रेजेंट का है, वर्किंग लिखा है यानी कैंटिन्यूअस का है, और टाइम मेंशन है यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कैंटिन्यूअस है, जिसमें बीन का साउंड नहीं है। बीन कहीं नहीं लगा दोस्तों, आप देख सकते हो। टेंस में मैंने देखा कि यह प्रेजेंट का परफेक्ट कैंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट का परफेक्ट कैंटिन्यूअस का रूल आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है। लेट्स चेक इट। सेंस देखना है, सेंस चेंज ना होने पाए, टेंस ना बदलने पाए, सीधे ऑप्शंस में चले जाते हैं और ऑप्शंस को इलिमिनेशन के तौर पे देखना शुरू करते हैं। कैसे? मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ का मेनी ऑफ किया है गलत। क्यों? क्योंकि आप किसी भी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैड बीन। अब देखो यहां पे टेंस चेंज हो रहा है, ये भी नहीं सेंस को कर सकते, टेंस बदल गया है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर बीइंग वर्क्ड, ये पैसिव फॉर्मेट में चला गया, यानी एक्टिव को पैसिव में नहीं चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैव बीन वर्किंग, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले गए। सेंटेंस का नो इंप्रूवमेंट का पार्ट स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। लिहाजा एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर मैं टेंस और सेंस चेक करके सीधा ऑप्शंस में चला जाता हूं, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, बहुत लोगों ने फॉलो किया। एंड 2 से 3 मिनट में 5 सवाल एकदम हो जाते हैं सही। थैंक यू।